हेलो हेलो, अरे हम भैया रिकी पॉन्टिंग चच्चा ऑस्ट्रेलिया से, क्या शर्मा जी बोल रहे हैं भैया? अरे हाँ चच्चा बोलो, काहे लिए फोन किया भैया? मोड पूरा सटका पड़ा है, मैच हार चुके हैं, काहे परेशान कर रहे हो? बहुत तो फर्जी बातें कर रहे थे रोहित शर्मा भैया, बहुत फर्जी बातें कर रहे थे कि हमारी टीम इतनी है उतनी है, आओ अकार ठिकाने आ गई सारी है, कहीं निकल के पिछवाड़े में चले गई, फर्जी की बातें बहुत कर रहे थे कि हमारे इतने तगड़े खिलाड़ी है। अरे जब इतनी बुरी हार हो गई 9-9 विकेट से भैया, अरे वो तो 1 विकेट ना गिर गया होता तो 10 विकेट से जीत लिए होते। और बताओ क्या हाल है, कैसे माहौल है वहाँ का? अरे चच्चा सम्मान करते हैं, चच्चा अगर आए तो निकाल देंगे सारी है कड़ी पिछवाड़े में, और काट ठिकाने आ जाएगी कंगारुओं की। अरे अगला मैच जब बुरी तरीके से हराएंगे, जाते समय लंगटिया भी नहीं बचेगी। मूड ना खराब करो ज्यादा, फर्जी बातें करो नहीं, खुद तो आए नहीं, अब फटके पड़ी है वहां से, ऑस्ट्रेलिया से फोन कर रहे हैं, इतने बड़े खिलाड़ी होते तो आके यहाँ कोच में मैनेजमेंट थाम लेते। देखो फर्जी की बातें करो नहीं तुम भैया, अरे मैच की बातें करो, इधर उधर की बातें ना करो, हम नहीं आए तुम्हारे खिलाड़ी इतने तगड़ी फॉर्म में है। अरे देख रहे नाथन लियान ने भैया 10-10, 11-11 विकेट फेल डाले, और हमारा कप्तान इस टीम में, अरे पैट कमिंस की हालत तो तुम लोगों ने बहुत बुरी कर दी थी, लेकिन देखना जो हमारी कप्तानी भैया टेस्ट सीरीज ने बराबर कर लिया, तो रिकी पॉन्टिंग हमारा नाम नहीं। अरे वो पॉन्टिंग चच्चा का है, बहुत ही अपना नाम बदलवाने को तैयार हो भैया, ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं। अरे इतनी औकात होती तो ऑस्ट्रेलिया वालों को पहले दूसरे टेस्ट में जो बुरी तरीके से हराए थे ना, अभी तो देखना टेस्ट तो हारोगे 3-1 से, उसके बाद वनडे भी पेलेंगे। मूड ना खराब करो, मूड सटका पड़ा है भैया, बहुत फर्जी फर्जी फोन आ रहे हैं, अब हमारे पास फोन करना नहीं, अगर मिलना है तो आके यहाँ मिलो, तब है तो।